हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो रेसिपी है पालक पनीर। तो यहाँ हमने पालक को अच्छे से साफ कर लिया था, उसके बाद मैंने इसे 2-3 पानी में अच्छे से धो दिया था। अब मैं लगी हूँ पालक को उबालना है मेरे को, तो इसलिए मैंने पतीले में डाल दिया था, थोड़ा सा पानी लिया है, क्योंकि पालक जो उबालते तो ये भी अपना पानी छोड़ता है, इस वजह से हमने थोड़ा पानी लिया और नमक डाल दिया और ढक्कन लगा दिया। आधा पालक डाल दिया था मैंने, फिर आधा मैंने फिर डाला था जब मेरा थोड़ा पालक नीचे बैठ गया था। और जैसे यहाँ देख सकते हो, पालक उबलना शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पालक हमारा अच्छी तरह से उबल के तैयार हो चुका था। इसके बाद हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकालने के बाद हम सिर्फ पालक लेंगे और उसे मिक्सर में दरदरा सा पीस लेंगे। यहाँ कढ़ाई में हमने लिया है सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें मैंने डाल दिया था जीरा। जीरा मेरा पक चुका है, अब इसमें मैंने डाल दिया है प्याज। प्याज को अच्छे से भूनूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और क्रश की हुई हरी मिर्च। उनको ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, फिर हम उसे अच्छे से भूनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, टमाटर हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी और नमक और उन्हें अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने बेसिक मसाले, जैसे गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, थोड़ा हींग पाउडर और थोड़ा शाही पनीर मसाला। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि जो हमने अभी मसाले डाले वो हमारे अच्छे से पक जाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, टमाटर हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे पनीर। पनीर को अच्छे से हम अपने मसाले में मिक्स करके थोड़ी देर भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे जो मसालों का टेस्ट है वो हमारे पनीर में अच्छे से हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, पनीर हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे पालक जो मैंने पीसा था, और उसे भी हम पनीर के साथ अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें हम शाही पनीर मसाला थोड़ा और डालेंगे ताकि हमारे पालक पनीर का टेस्ट और अच्छा हो जाए। और 2 मिनट और ढक के पकाना है और हमारा शाही पनीर बनके तैयार है। इसमें हल्की सी मैंने चीनी भी ऐड करी थी, इससे बैलेंस हो जाता है मसाला। तो इस वीडियो को एंड करती हूँ मैं यहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई हो। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।